नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपकी जानकारी में होगा कि एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन, इसी प्रकार एक पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन की टोटल इनकम की कंप्यूटेशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12 ऑफ इनकम टैक्स लॉ की जाती है। अब सेक्शन 11 एंड 12 में जब इनकम टैक्स के अनुरूप एक पब्लिक चैरिटेबल पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट की टोटल इनकम की कंप्यूटेशन की जाती है तो उसमें बहुत सारे बिंदुओं का ध्यान रखना होता है। कुछ और स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहूं तो ये कह सकता हूं दोस्तों कि पिछले कुछ वर्षों में ट्रस्ट की टोटल इनकम का कंप्यूटेशन काफी कलिष्ठ होता जा रहा है। इसी संदर्भ में दोस्तों, एक रीसेंट अमेंडमेंट फिनेंस एक्ट 2022 से लागू हुआ और इस अमेंडमेंट का पब्लिक चैरिटेबल अथवा पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पर, जो कि सेक्शन 12AA या 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, उनकी टोटल इनकम की कंप्यूटेशन पर क्या प्रभाव होगा, आज की इस वीडियो से आपके समक्ष ये एक डिस्कशन लेकर के आ रहा हूं। तो दोस्तों, अमेंडमेंट पर चर्चा करने से पूर्व आपके समक्ष एक छोटा सा डिस्कशन कर रहा हूं, रोल ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। अगर एक लेमैन के रूप में मैं बात करूं तो आप मेरी इस बात को इस प्रकार समझेंगे कि दो चीजें किसी ट्रस्ट की फाइनल टोटल इनकम की कंप्यूटेशन में इंपॉर्टेंट है, एक ट्रस्ट द्वारा किए गए एक्सपेंसेस और दूसरा ट्रस्ट द्वारा कमाई गई इनकम। अब ट्रस्ट की इनकम में दोस्तों डोनेशन भी आ सकता है, इंटरेस्ट इनकम भी आ सकता है, ट्रस्ट के बिजनेस की इनकम भी आ सकती है, ऐसे बहुत सारे सोर्सेस से ट्रस्ट के पास इनकम आ सकती है। आप कहेंगे अनुप जी रेंट की भी इनकम आ सकती है, बिल्कुल सर। इसी प्रकार दोस्तों, ट्रस्ट जब एक्सपेंसेस करता है तो वेलफेयर के एक्सपेंसेस भी करता है, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस भी करता है, दूसरे ट्रस्ट को भी एक ट्रस्ट डोनेशन दे सकता है, ऐसा मैं मान लेता हूं। अब जब ट्रस्ट इन खर्चों को करता है या ये इनकम कमाता है तो ये इनकम ट्रस्ट रिसीट बेसिस पर भी बुक कर सकता है और ट्रस्ट एक्रुअल बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस पर भी इनकम बुक कर सकता है। इसी प्रकार दोस्तों, एस्पेक्ट आता है कि अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो एक्सपेंसेस भी रिसीट बेसिस पर भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और एक्सपेंसेस मर्केंटाइल बेसिस पर भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। ये जो अमेंडमेंट आया है दोस्तों, वो इन एक्सपेंसेस से रिलेटेड मैटर पर है कि एक्सपेंसेस क्या रेवेन्यू के कंपैरिजन में जब क्लेम किए जाएंगे तो वो रियल पेमेंट बेसिस पर ही क्लेम किए जा सकते हैं या एक्सपेंसेस मर्केंटाइल बेसिस यानी एक्रुअल बेसिस पर भी, कि आपने वास्तव में खर्चे का भुगतान तो नहीं किया पर खर्चा आपका ड्यू हो गया तो आप उस डिडक्शन को क्लेम करना चाहते हैं, क्या उस बेसिस पर भी एक्सपेंसेस क्लेम किए जा सकते हैं क्या? तो ये चर्चा सर इस अमेंडमेंट के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, बैकग्राउंड समझने के बाद आपसे सीधे एक्सप्लेनेशन पर चर्चा करता हूं, जो एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुआ है सेक्शन 11 के सबसे लास्ट में आफ्टर सबसेक्शन 7, और ये एक्सप्लेनेशन दोस्तों इंसर्ट हुआ है फिनेंस एक्ट 2022 से विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2022। नोट्स टू द क्लॉजेज ऑफ द फिनेंस बिल में ये बात स्पष्ट की गई है कि ये असेसमेंट ईयर 2022-23 से प्रभावी हो जाएगा, यानी वित्त वर्ष 21-22 के जो फॉर्म 10B अब फाइल हो रहे हैं या पब्लिक चैरिटेबल पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट जिनके लिए अब ITR फाइल होंगी 31 अक्टूबर 2022 तक, उनकी टोटल इनकम की गणना में इस अमेंडमेंट का खासा रोल रहने वाला है। क्या अमेंडमेंट है सर? एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया गया जिसमें कहा गया, फॉर द purposes ऑफ दिस सेक्शन एनी सम पेबल बाय एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन शेल बी कंसिडर्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच सम इज एक्चुअली पेड बाय इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द लाइबिलिटी टू पे सच सम वॉज इनकर्ड बाय द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय। तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके क्या बोला सर, कि आपके अकाउंटिंग सिस्टम या आपके अकाउंटिंग मेथड, चाहे आप कैश फॉलो करते हो या मर्केंटाइल फॉलो करते हो, उसकी धज्जियां उड़ा दी और ये कहा सर कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, जब आपने वास्तविक भुगतान कर दिया रिलेवेंट हेड में या रिलेवेंट एक्सपेंस आइटम का, तभी हम उसे एप्लीकेशन मानेंगे। इसका सर दूरगामी प्रभाव होगा ट्रस्टों की टोटल इनकम कंप्यूटेशन में, कि आज अगर किसी ट्रस्ट की बुक्स फाइनल हो रही हैं और उसमें कुछ खर्चे ट्रस्ट ने एक्रुअल बेसिस पर क्लेम करे हैं जिन्हें ट्रस्ट एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानता है, क्योंकि ट्रस्ट को आगे पीछे ये खर्चे का भुगतान तो करना ही है और ट्रस्ट ने लायबिलिटी बुक कर ली, तो भी सर भारत सरकार उस रिलेवेंट खर्चे को एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेगी। यदि नहीं मानेगी तो इसका प्रभाव क्या होगा, ट्रस्ट की इनकम फॉर टाइम बीइंग बढ़ जाएगी, और यदि ट्रस्ट की इनकम फॉर टाइम बीइंग बढ़ जाएगी तो
या तो ट्रस्ट को डीम्ड एप्लीकेशन एक्युमुलेशन की ओर बढ़ना पड़ेगा ताकि वो टैक्स ना पे करें, या ट्रस्ट को अल्टीमेटली टैक्स पे करना पड़ेगा। एक दूसरे प्रारूप में बोलूं तो ये भी कह सकता हूं दोस्तों, ये अमेंडमेंट कुछ कुछ बिजनेस प्रोफेशन के केस में सेक्शन 43B जैसा ही है। तो इस इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट का ट्रस्टों के फॉर्म 10B पर, ट्रस्टों की टोटल इनकम की कंप्यूटेशन पर खासा महत्व रहने वाला है। मैं अपनी बात को सर इसी पॉइंट को एक और एग्जांपल से आपके समक्ष स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं। अब देखिए दोस्तों, मैं एग्जांपल रख रहा हूं आपके सामने कि मान लीजिए एक ट्रस्ट है जिसका नाम हमने लिया XYZ फाउंडेशन, हु हैज रिसीव टोटल वॉलंटरी डोनेशंस ऑफ ₹100 लाख फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। इट इज स्पेंट एन अमाउंट ऑफ ₹70 लाख टूवर्ड्स एक्चुअल पेमेंट ऑन वेरियस वेलफेयर प्रोजेक्ट्स एंड बुक्ड एन एक्सपेंस ऑफ ₹10 लाख ड्यू टू अ कॉन्ट्रैक्टर। हाउएवर actual payment thereof was not made in the financial year. How much will be the total income of the XYZ foundation for the assessment year 22-23? मैं सर अपनी बात को अगर ऐसा बोलूं कि एक ट्रस्ट के पास में 100 लाख रुपए मिले, जैसा कि एग्जांपल में था, ट्रस्ट ने 15 लाख रुपए के फ्री एक्युमुलेशन कर लिए, तो ट्रस्ट को सर 85 लाख रुपए खर्च करके दिखाना था। ट्रस्ट ने 70 लाख रुपए तो वास्तव में खर्च कर दिए और ट्रस्ट ने 10 लाख रुपए का एक खर्चा बुक किया। तो पुराने कॉन्टेक्स्ट में ट्रस्ट की इनकम अगर निकल करके आती तो 85 माइनस 70 माइनस 10 मात्र 5 लाख निकल करके आती। पर नए कॉन्टेक्स्ट में सर ये जो अमेंडमेंट आया और जो लागू है असेसमेंट ईयर 22-23 वित्त वर्ष 21-22 से, उसमें ये 10 लाख क्योंकि वास्तविक रूप से भुगतान नहीं हुए तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, और इस प्रकार सर अब ट्रस्ट की इनकम कितनी हो जाएगी, 15 लाख। तो आपको डीम्ड एप्लीकेशन एक्युमुलेशन के जो ऑप्शन लेने हैं वो अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट व्यवस्था सर फिनेंस एक्ट 2022 से ट्रस्टों के संदर्भ में आई, जिसका प्रभाव असेसमेंट ईयर 22-23 से ही जारी हो गया। आप मेरे को ये कह सकते हैं कि अनूप जी, मान लीजिए ये 10 लाख रुपए का खर्चा हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट कर दिया से फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, तो क्या तब हमें डिडक्शन मिलेगा? हाँ सर, उस ईयर में आपको डिडक्शन क्लेम करने के लिए अलाउड होगा। सो आई होप थ्रू दिस एग्जाम्पल यू गॉट द क्लैरिटी दैट हाउ दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट विल बी इफेक्टिव। At the end, my dear friends, I would say, if you will ask me to share my personal opinion on that, this amendment is a kind of dangerous amendment, and this is rather forcing the trust to adopt the cash method of accounting. But practically, जब ट्रस्टों को कोई इंटरेस्ट की इनकम होती है और उनका TDS कट जाता है, तो वहां पर उनको फोर्स हो रहा है एक प्रकार से कि they may adopt the mercantile system of accounting. और यहां गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट के थ्रू उनको खर्चों के लिए एप्लीकेशन की कंप्यूटेशन के लिए रियल पेमेंट बेसिस एप्लीकेशन की इस व्यवस्था लागू कर दी। तो ट्रस्ट इस वजह से सर और कॉम्प्लेक्सिटी फील करेंगे। कहने का अभिप्राय यह है सर कि ट्रस्टों के लिए राह आसान नहीं है। ट्रस्टों को एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में सेक्शन 11 और 12 में डील किया गया है, और उनको ऑन द टोज रहते हुए इन सारे कंप्लायंसेस को करते हुए अपनी टोटल इनकम की कंप्यूटेशन करनी होगी। सो आई होप यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर वीडियो यूजफुल। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।